इसके ऊपर क्रम्स लाने के लिए यहाँ पे मैंने प्लेट में लिया है जी मैदा, ये सिर्फ मैदा। इसके अंदर यकीन माने मैंने नमक भी ऐड नहीं किया और मैंने कुछ भी ऐड नहीं करना। ये लिया जी मैंने मैदा, ये है जी पानी, नॉर्मल पानी यानी रूम टेम्परेचर पानी, वैसे आजकल रूम टेम्परेचर में भी ठंडा हो जाता है। और ये हमारे फ्रेंच फ्राइज। आप लोगों ने करना ये है कि अब यहाँ पे आपने स्टेप को फॉलो करना है, आप सिर्फ आवाज़ चेक करें। बैक टू अनदर वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं जी आज की वीडियो को। आज मैं बनाने जा रहा हूँ क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज, किस तरह बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। आप लोगों ने क्रिस्पी फ्राइड चिकन खाया ही होगा, लाइक जिंगर के जो पीस होते हैं जो उसके ऊपर क्रम्स आते हैं, तो सेम एज इट इज वैसे ही क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज को बनाएंगे, घर में बनाएंगे, घर की चीज़ों से बनाएंगे। तो कैसे बनाए जाते हैं चलिए वीडियो को लास्ट तक देखना आप लोगों ने, इस तरह आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा कैसे बना सकते हैं। पहले जो है ना मैंने आलू ले लिए, मैं मेक श्योर के आलू जो है ना फीके हों, और ये आजकल के जो मौसम के आलू आए हुए हैं उनके आप लोग देख सकते हैं हल्के हल्के से छिलके उतरे हुए होते हैं, ये निशानी होती है फीके आलू की। आप लोगों ने मीठे आलू बिल्कुल भी नहीं लेने, इनको फटाफट से जनाब पील कर लेते हैं। अभी मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो तीन आलू है ना इनको छिलको समेत ही काट लूँगा चिप्स की फॉर्म में, और ये चार जो आलू है ना इनको मैं पील कर लूंगा। अच्छा जी ये चार आलू को मैंने पील कर लिया है, ये रहे जी छिलके और ये रहे चार आलू, और ये तीन आलू मैंने पील नहीं करने, मैंने इनको डायरेक्ट चिप्स की और फ्रेंच फ्राइज की फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहले मैं इसको फ्रेंच फ्राइज की फॉर्म में ले आता हूँ इसको अच्छे से वॉश करके। ये रहे जी अपने आलू और इनको मैं अच्छे तरीके से वॉश कर लेता हूँ। मेक श्योर कि ये गर्म पानी में वॉश नहीं करने वरना आपकी चिप्स मुरझा जाएगी, आपने हमेशा ठंडे पानी में ही इसको वॉश करना है ताकि इनमें नरमी पैदा ना हो सके। तो खैर इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं, देन मेरे पास यहाँ पे कटर पड़ा हुआ है तो कटर से जो है ना इनको फिर निकाल लूँगा मैं। ये रे जी मेरे आलू जो मैंने इनको छिलकों समेत ही कटर से निकाल लिया, मैं चिप्स की फॉर्म में ले आए हैं। एक दफ़ा फिर वॉश कर लेंगे ठंडे पानी में सबको, ताकि कोई मिट्टी या जर्म्स, क्योंकि मैंने छिलके समेत बनाई है तो इसको दो दफ़ा मैं इसलिए वॉश करूँ ताकि कोई मिट्टी वगैरह ना रहे, क्योंकि आपको पता है आलू जो है वो अंडरग्राउंड ही ग्रो होता है। इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे, आप लोग देख सकते हैं पानी अगेन कितना ज़्यादा गंदा हो चुका हुआ है। ये रहा जी बाउल ले लिया मैंने यहाँ पे एक, और ये रही जी हमारी फ्रेंच फ्राइज, आप लोग देख सकते हैं पानी साफ है, यानी इट्स मीन के हमारे जो फ्रेंच फ्राइज है ना वो अच्छे तरीके से वॉश हो चुके हुए हैं। एंड मेक श्योर आपने गंदा नहीं रहने देना, अगर आप छिलकों समेत बना रहे हैं तो आपने काफ़ी दफ़ा इसको वॉश करना है। ये मैंने निकाल लिए इसके अंदर, अरे जो छिलकों वाले फ्रेंच फ्राइज थे वो बाहर आ गए हुए हैं, पानी को फेंक देते हैं और उतनी देर मैं जो है ना ऑयल भी गर्म होने के लिए रख देता हूँ, क्योंकि हमने जो है वो जस्ट इसके ऊपर क्रम्स लेके आने हैं और वो प्रोसीजर सिर्फ एक मिनट का ही है। तो लिहाजा चूल्हा ऑन कर लेते हैं और ऑयल गर्म करने के लिए रख देते हैं। ये फ्रेंच फ्राइज बना रहा हूँ मैं वाइट पैन के अंदर और इसको रख देते हैं, क्योंकि दो क्वांटिटी इसमें बनने हैं, दो जगह बनने हैं, ये इतने नहीं है इसमें आ जाएंगे सारे और ये भी इतने नहीं है वो भी इसमें आ जाएंगे सारे। तो ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए मैं रख देता हूँ, फिश ऑयल जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया हुआ है, ये जब तक गर्म हो रहा तब तक जो है ना हम इसके ऊपर क्रम्स ले आते हैं। अच्छा जी इसके ऊपर क्रम्स लाने के लिए यहाँ पे मैंने प्लेट में लिया है जी मैदा, ये सिर्फ मैदा। इसके अंदर यकीन माने मैंने नमक भी ऐड नहीं किया और मैंने कुछ भी ऐड नहीं करना। ये लिया जी मैंने मैदा, ये है जी पानी, नॉर्मल पानी यानी रूम टेम्परेचर पानी, वैसे आजकल रूम टेम्परेचर में भी ठंडा हो जाता है। और ये हमारे फ्रेंच फ्राइज। आप लोगों ने करना ये है कि अब यहाँ पे आपने स्टेप को फॉलो करना है। मैंने यहाँ पे ले लिया है जी ये चम्मच, इधर से लिया मैदा और इसके अंदर ऐड कर दिया, ये लिए चम्मच और ये देखें इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मैंने ऐड करने के बाद इसको पहले कर लेना मिक्स, ये चाहे ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहीं पे पता चलेगा आप लोगों के क्रम्स इसके ऊपर आएंगे कैसे। ठीक है मुझे ज़रा कैमरा प्लेस करना पड़ना है। इसको जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, आप लोग देख सकते हैं मैंने काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, और मैंने एक ही दफ़ा में मैदा डाला है, अभी दोबारा मैंने मैदा इसके अंदर डालना है। वो कैसे डालना है कब डालना है ज़रा देखें, इसको अच्छे से एक मिनट तक तकरीबन जो है ना हम इसको इस तरह हिलाते जाएंगे। ये रहा जी कप पानी का, अब इसमें पानी सिर्फ हमने स्प्रिंकल करना लाइक यूं बस, इसको दोबारा से करके देन अगेन मैदा पकड़ा डाल दिया बस इनफ। अब आपने इसकी लुक देखनी है, पानी वैसे मेरे से ना थोड़ा सा ज़्यादा डल गया, थोड़ा सा ज़्यादा डल गया, इतना नहीं वैसे ये भी चल जाएगा। और आपने क्रम्स आते देख लिए होंगे, मैं आपको ज़रा मिक्स करके ना दोबारा से भी दिखा देता हूँ करीब से, ये देखिएगा ये देखें। तो इसको हम एज इट इज़ जो है ऐसे ही फ्राई कर लेंगे
और फ्राई होने के बाद भी मैं जो है ना लुक दिखाता हूँ, आप लोग ये देख सकते हैं। ये रेजी हमारे क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज इस तरह बनेंगे, फ्राई करके दिखाता हूँ। ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका हुआ है। ये एक छोटा सा पकड़ेंगे, वो देखें ऑयल जो है ना हमारा गर्म हो चुका हुआ है। तो इसको जो है अब डालना इस तरह है हमने कि ये जुड़े भी ना, लाइक ये देखें खोल के दो भी जुड़े हुए चले जाएंगे तो खैर है। इसको ऐसे पकड़ा और इसको ओपनली इस तरह स्प्रेड करके डालना है। लोग देख सकते हैं मैंने सारे के सारे जो है ना इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। आपने अभी इसको छेड़ना नहीं है, अगर आपने सेट करना है तो पैन हिला सकते हैं इस तरह करके, बट इसमें चम्मच वगैरह भी कोई भी नहीं आप इस्तेमाल करेंगे जब तक ये थोड़े से ब्राउन ना हो जाए। जब तक हमारे पास ये रेडी हो रहे हैं, हमारे पास ये छिलकों के बगैर वाले भी आलू पड़े हुए हैं, इनको भी इसी सेम प्रोसीजर से गुजार के, ये सारी चीज़ें अभी तक पड़ी हुई हैं इन्हीं सेम प्रोसीजर से गुजार के हम तैयार कर लेते हैं। उतनी देर ये भी प्रिपेयर हो जाएंगे, इसको अभी तक छेड़ना नहीं जब तक ये हाफ कुक ना हो जाए, वरना इसके सारे जो ऊपर मैदे की कोटिंग है ना वो उतर जाएगी। इस पे आके जनाब सिर्फ आप यहाँ से एक चिमटा पकड़ेंगे और इसको थोड़ा सा जो है ना पलट देंगे, लाइक ये जुड़े भी हुए ना इस तरह, थोड़ा सा अंदर से आप इसको सेपरेट करेंगे तो ये इजीली जो है ना वो सेपरेट हो जाएंगे। इसको पलटते हैं ऐसे, ये देखें पलटते पलटते सेपरेट हो जाएगी। तो बजाय आप शुरू में इसके चम्मच वगैरह इस्तेमाल करें, इस कंडीशन पे आके हाफ कुक कंडीशन पे आके आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये पलटने में जो है ना कुछ ये देखें अलग हो रहे हैं, तो इस तरह जो है ना मैं सारे के सारे ऐसे पलट लूँगा ताकि कोई कच्चे और पक्के ना रह जाए और इक्वली कुक हो जाए। आप लोग क्रम्स देख सकते हैं जो उसके ऊपर आए हुए हैं, मैं कुक होने के बाद भी आप लोगों को फाइनल लुक की दिखाता हूँ। खैर यहाँ पे मैंने ये चिप फॉर्म में ले आया हूँ, कटर से निकाल लिए हुए, इसी में डाल लेंगे ये। ये भी सेम जो है ना इसी तरह ही मैं इस पर क्रम्स लेके आऊँगा। और ये राजी मतलब मैदा, तो ये अंदाजे से ही मैं डाल लेता हूँ ऐसे। ले ये डल गया, इसको मैं ऐसे मिक्स कर लूँगा। लें जी ये एक कोट जो है वो हो चुका हुआ है, आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज भी रेडी हो गए। मैं पहले इनको निकालूँ, ये ना हो गई ये जल जाए। आउट के लिए मैंने डिश ले ली हुई है, चम्मच ये ले लिया हुआ है और ये ऑलमोस्ट आप लोग देख सकते हैं कि रेडी ही हैं, तो इसको निकाल लेते हैं। बस मैं कह रहा हूँ कि एक मिनट और पकते हैं ताकि अच्छा सा मज़ीद कलर आ जाए। ये जो है थोड़ा सा गीला था जिसकी वजह से ना पानी के कुछ क्लॉथ चलेंगे ऑयल के अंदर, जिसकी वजह से आवाज इस तरह की आ रही है। ये देखें ये इस तरह वन बाय वन जो है मैं, यानी कि दो से तीन स्टेप्स में मैं इसको डिश आउट करूंगा। आप सिर्फ आवाज चेक करें। फाइनली मैंने ये छिलकों वाली जो सारी थी वो निकाल ली भी है। अभी इसका सेकेंड कोट रहता है, यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, बस ये भी निकल गई हुई है। और ये देखें आवाज़ चेक कर, तो ये थी जी वो जो छिलकों वाली थी, और अभी ये है जी वो छिलकों के जो बगैर है। तो इसको मैंने एक कोट दे दिया है चूँकि अब दूसरा देना है, तो पानी जो है ना इसमें थोड़ा सा है, तो बस मैं हल्का सा ही स्प्रिंकल बस इतना करके बाकी का मैदा, ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे दो बड़े वाले चम्मच हैं जो आपके इस साइज़ के होते हैं, टेबल स्पून से थोड़ा सा बड़ा है ये, ठीक है। टेबल स्पून हमारे पास ये वाला आता है, तो उससे बड़े वाले जो है ना चम्मच ये चार डलते हैं, दो एक दफ़ा में और दो बाद में, यानी दो चम्मच डलते हैं फर्स्ट कोटिंग में और दो चम्मच डलते हैं सेकंड कोटिंग में पानी लगाने के बाद। तो अब इसकी सेकंड कोटिंग में अच्छे से मिक्स करके आप लोगों को फॉर्म दिखाता हूँ, किस फॉर्म में आए हैं। देन ऑयल हमारा ऑलरेडी गर्म है, इसमें डालते हैं। लें जी ये हमारे पास जो है वो रेडी हो चुकी हुई है, सेकंड कोटिंग मैंने कर ली हुई है इस पर। आप लोग क्रम्स चेक कर सकते हैं ऊपर कितने अच्छे आए हैं, लाइक इस तरह के आपस में ना जुड़ जाती हैं ये। इसको डालते हैं इसमें, फाइनली मैंने सारी चिप्स इसमें ऐड कर दी हुई है। और इसको चम्मच नहीं मारना, मैंने पहले भी बताया था, इसको जस्ट बैलेंस करने के लिए हल्का सा हिला लेंगे, अभी नहीं छेड़ेंगे। और चिप्स हमारी जनाब वो रेडी है, और इसका अभी मैं आपको रिव्यू दिखाता हूँ कितनी क्रिस्पी है। इसको गीला कर देते इससे पहले कि ये चिपक जाए सारा मैदा गर्म पानी में। मैंने दो डिशेस ले ली हुई, येलो एंड ब्लैक। ब्लैक वाली में फिल करते हैं जो हम छिलकों वाली थी हमारी जो रेडी हो चुकी हुई है। ये आ गई छिलकों वाली चिप्स, और आप लोग ये देखें
देखें हलाल आके मैंने ऐसे ही जो है ना उसको एडजस्ट कर लिया हुआ है, और हमारी तकरीबन हाफ कुक हो चुकी हुई है। ये ऑलरेडी कुकड है, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें हाँ, ये क्रिस्पीनेस चेक करें इसके ऊपर, ये छिलकों वाली है। ये देखें इसका जो छिलका है ना वो भी शो हो रहा है। तो ये रीजिए हमारी बगैर छिलकों के, तो इस पर भी आप लोग चेक करें। बाजार में ना बेसिकली टाइम की बचत करते हुए वो छिलके आलू के उतारते नहीं, और इस तरह की हमें फ्राइज मिलती हैं, तो इस तरह की होती हैं क्रिस्पी और हार्ड। बाद में जो है ना आप इसके ऊपर अपनी मर्जी के फ्लेवर्स डाल सकते हैं। लाइक ये चाट मसाला है, तो मैं इसको इसके अंदर डाल रहा हूँ। अगर बच्चों ने खानी हो तो वो वैसे भी खा सकते हैं, क्योंकि मैंने इस पर कुछ भी ऐड नहीं किया। सिर्फ आप बच्चों को देनी हो तो सॉल्ट डालें और वो से दें। ये मैंने खानी है क्योंकि मैंने इसमें चाट मसाला जो है ना वो ऐड कर दिया और थोड़ा सा बाहर भी फेंक दिया। कोई बात नहीं, ये रिजी केचप एंड ये रिजी हमारी फ्राइज। ये फ्राइज ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हुई हैं, इनको भी डिश आउट करते हैं और ये घर वालों को देते हैं। फ्राइज जो है ना हमारे रेडी हो चुके हैं, इट्स टाइम टू डिश आउट। तो डिश मैं यही वाली ले लूँगा पहले, देन इसके बाद जो है ना मैं इसमें सर्व करूँगा। तो ये ले लेते हैं जी, हम अपना चम्मच आ गया वह, तो इसको निकाल लेते हैं। ये देखें आवाज़ से नज़र आ रही है कि क्रिस्पी कितनी है। ये देखें अभी इसको मैं डालूँगा। ये देखें गर्म है बट आपको आवाज़ आ रही होगी। ये देखें इसके ऊपर भी ऐड करेंगे जी चाट मसाला। आप कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं, टिक्का मसाला, बारबेक्यू मसाला, जो मसाला भी आपके पास पड़ा हुआ है। इसको इसके फ्लेवरों को इन्हेंस करने के लिए आप कुछ भी डालें भाई, जो मर्जी डाल डोल के खाएं। खैर मेरे पास चाट मसाला ही अवेलेबल था इस टाइम, तो मैंने ये आप बना ली हुई है। ये रेजी हमारी दो किस्म की चिप्स, और ये रेजी हमारी छिलकों वाली। ये तो अगर ठंडी हो गई, इसको मैं ही खा लूँगा। ये देते हैं घर वालों को गर्मा गर्म, और ये है जी विदाउट छिलका, मतलब साफ सुथरी चिप्स। तो आप दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, दी चॉइस इज़ योर्स। तो बहुत ही क्रिस्पी बनती है, बहुत ही मज़े की बनती हैं, आप लोग देख सकते हैं। हम भी टेस्ट करते हैं कैसी बनी है, और मेरी तो ठंडी होगी लेकिन अभी देख ले, ठंडी होने के बाद बावजूद भी क्रिस्पी है। खैर चेक करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिस्पीनेस बहुत अच्छी है, बस ठंडी हो गई है क्योंकि मैंने पहले ये बनाई हुई थी, बाद में मैंने बगैर छिलकों वाली बनाई थी। ठंडी है बट मज़ा आ रहा खा के, क्रिस्पी बहुत है। चाट मसाला जो डाला हुआ उसका अलग से टेस्ट आ रहा है, केचप का अलग से टेस्ट आ रहा है। खैर ये थी जी मज़ेदार सी छोटी सी यूनिक सी फ्राइड चिप्स की रेसिपी, फ्राइड फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी, जो आप लोगों ने घर में बनाई ज़रूर है आई नो, बट आपने सिर्फ सिंगल कोट दिया हुआ। आप डबल कोट दीजिएगा और अच्छे से एक मिनट के लिए मिक्स कीजिएगा, देखिएगा कितनी अच्छी फ्रेंच फ्राइज रेडी होती हैं। खैर मुझे नहीं ज़्यादा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।